तो फिर से हम स्वागत करते हैं फेलो चैनल के ऊपर एक और नए फ्रेश कमाल ब्लॉग के साथ। तो आज हम आपको लेकर के आ चुके हैं एक और नई फ्रेश कमाल भोकाली लोकेशन पर। तो इस लोकेशन का नाम है पावलिशियस। इट्स नॉट ओनली डिशेस, इट्स पावलिशियस। क्या टैगलाइन है भाई की? ये टैगलाइन आप सोच रहे होंगे हमने बनाई, बट नहीं, इनका ये खुद की टैगलाइन है, हमारी चुराई हुई है। तो आज हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ें ट्राई करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ब्लॉग के अंदर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को पूरा तो देखिएगा और लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बन रही है हमारे साथ वीडियो में। अभी आ गए तो यहाँ पर हमारे हाथ में आ चुका है पावलिशियस का मेन्यू और हमने यहाँ पर डिसाइड करना है। पहले आप देख लीजिए मेन्यू में क्या क्या है। ये इसके पीछे भी है, ये रही है कुछ हट के शेफ स्पेशल। तो भैया यहाँ पर मिर्ज़ापुर से रिलेटेड भी बहुत कुछ है। मुन्ना भैया, कालीन भैया, वड़ा पाव है। तो भैया हमारे कैरेक्टर तो मुन्ना भैया हैं, भैया में भैया मुन्ना भैया। तो मुन्ना भैया वाला वड़ा पाव लेते हैं और उसी के साथ साथ लेते हैं पोटैटो टॉर्नेडो, कुछ हट के में है इनका। और शेफ स्पेशल दबेली है तो वो भी ट्राई करते हैं। दबेली कुछ नया है लखनऊ में, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया हो। तो ये दबेली ट्राई करते हैं, पोटैटो टोर्नेडो और उसी के साथ मुन्ना भैया वाला वड़ा पाव। तो जैसे ही आता है तब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि वो कैसा है। गाइस तो हमारा पहला आइटम यहाँ का आ चुका है और वो है पोटैटो टोर्नेडो। तो ये जो पोटैटो टोर्नेडो है ये ऐसा है, मतलब स्टिक के आसपास पोटैटो राउंड है और इसको फ्राई किया गया है। काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें तो देख के ही, अब ट्राई करते हैं। मज़ेदार, क्रंच इतना अच्छा है और उसके ऊपर जो इन्होंने सॉस लगाई हुई है और ऑर्गेनो मसाला जो भी डाला है, मतलब भाई साहब मज़ा आ गया खा के। मुझे पहले आइटम में इतना मज़ा आ गया, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और आइटम खाने के लिए जो और मंगाएं। तो पहले हम लोग ये ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो हमारा दूसरा आइटम आ रहा है वो भी आपको टेस्ट करके बताते हैं वो कैसा होने वाला है। ये खा के मुझे इतना विश्वास हो गया कि भाई दूसरा आइटम मज़ेदार होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और चलिए बढ़ते हैं दूसरे आइटम की ओर। तो गाइस यहाँ पर हमारा दूसरा आइटम जो है वो है मुन्ना भैया वड़ा पाव। ये खाते हैं, ये खाने से पहले मैं ये कहूँगा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि भैया में भैया मुन्ना भैया। तो मुझे लगा कोई और बोलेगा भैया में भैया मुन्ना भैया तो हम रुक गए थे। तो ये है हमारा मुन्ना भैया वड़ा पाव, ये आ गया वड़ा पाव। ऐसा खाते हैं यार, काफ़ी डिलीशियस लग रहा है देखने से। भैया बिल्कुल बवाल चीज़ है, एकदम मुन्ना भैया के तरीके। एक और बाइट लेते हैं। बिल्कुल मज़ेदार भैया, मुन्ना भैया के अंदर मसाले बोल रहे हैं। बिल्कुल बवाल चीज़ है मुन्ना भैया के तरीके ही का वड़ा पाव भी। और जब मैंने इसको खोला है तो उसके अंदर इन्होंने वड़ा रखा है और यहाँ बन के अंदर इन्होंने सॉस लगाई हुई है काफ़ी सारी और उसी के साथ इन्होंने हरी मिर्च और ये मसाले के साथ इन्होंने सर्व किया है। मतलब भैया दोनों आइटम खाए, दोनों बिल्कुल मज़ेदार मसालेदार, सब में मसाले बोल रहे थे, ये चीज़ कॉमन थी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे आइटम की ओर जो कि है दबेली। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है हमारा दबेली फ्रॉम पावलिशियस। तो यहाँ पर इन्होंने तीन सॉसेस सर्व किए, उसी के साथ मसाला है और यहाँ पर क्रिस्पी पीनट्स भी हैं। तो मैं दाबेली फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है लखनऊ में कहाँ मिलती है और यही पता था तो यहीं आगे ब्लॉग बनाने। इसके अंदर इसके ऊपर इन्होंने थोड़ी नमकीन वगैरह डाली है, सेव है ये सिद्धान ने बताया है। और इसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ के खा के पता करते हैं। अभी तो सॉस नहीं लगाए थे, अभी तो पहली बाइट ली है। क्या टेस्ट है, मतलब क्या ही टेस्ट है, मज़ा आ गया बिल्कुल खा के। आलू की स्टफिंग इसके अंदर और काफ़ी मसालेदार आलू है। और चलिए ये ऑरेंज वाली चटनी के साथ ट्राई करते हैं। और ऑसम, मज़ेदार भोकाली
मतलब मेरे पास वर्ड्स कम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्या दाबेली है। मैंने फर्स्ट टाइम दाबेली खाई और मतलब मन को भाग है दाबेली, अब मुझे दाबेली खाने के लिए पावली से आना पड़ेगा बार बार। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग की कर देते हैं समाप्ति। हालांकि हमें पता है आपका मन नहीं है, नहीं है आपका मन है कि वीडियो एंड हो, हमारा भी मन नहीं है कि हम लोग वीडियो एंड करें, खाते जाएँ और आपको दिखाते जाएँ कि हम लोग क्या खाने वाले हैं। तो फिलहाल लेकिन वीडियो को तो एंड करना पड़ेगा, तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। यहाँ पर मस्ट रिकमेंडेड जो है वो है यहाँ पर पोटैटो टोनेटो और ये दाबेली, मस्ट रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी मज़ेदार है दोनों आइटम। और मुन्ना भैया का वड़ा पाव तो भाई मुन्ना भैया के स्टाइल में है, बिल्कुल बवाल आइटम है, वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आपको इस लोकेशन का जो पूरा एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप द हंग्री फेलो को इंस्टाग्राम पर अगर आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो करिए, क्यों नहीं फॉलो करो यार, हम लोग काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी बना रहे हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो। और इसी के साथ मिलते हैं आपको ऐसे किसी नए फ्रेश फूड ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।